हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार के जैसी काजू कतली, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 कप काजू लेंगे और काजू को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इस तरह से पाउडर बन जाएगा। तो इस पाउडर के अंदर, काजू के अंदर ऑलरेडी फैट होता है, तो जिससे गुठलियाँ बन जाती है। तो हम इसे छान लेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। तो उसके बाद लेंगे हम पैन में 1 कप चीनी और चीनी से आधी मात्रा में पानी, तो आधे कप पानी डालेंगे। तो हमने जितना काजू लिया है 2 कप, तो उससे आधी मात्रा में चीनी लेंगे। तो इस तरह से घुलने तक पका लेंगे। तो चीनी घुल चुकी है, तो अब चाशनी को और गाढ़ा कर लेना है। तो हमने 2-3 मिनट के लिए चाशनी को और पका लिया है। तो अब चेक करेंगे कि चाशनी से तार बनता है या नहीं। तो इस तरह से उंगली पर लेंगे और अब देखेंगे कि अब एक तार बन रहा है, तो इसका मतलब चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं हम काजू का पाउडर। तो काजू के सारे पाउडर को चाशनी में डाल देंगे और चलाते हुए मिला लेंगे। तो इस तरह से चला लेंगे, जिससे सारा पाउडर मिक्स हो जाए चाशनी के अंदर। तो मिक्स करते जाएंगे चलाते हुए, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे मिठाइयों के अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मिक्स करते जाएंगे। फाइनली अब हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो देसी घी डालने से मिठाई के अंदर एक सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो जब कभी भी हमें मिठाई बनानी हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी जरूर डालना चाहिए। उससे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमने घी को भी मिक्स कर लिया है चलाकर। तो इस बैटर को हम इस तरह से ही चलाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो देख ले, बिल्कुल तैयार है बैटर काजू कतली बनाने के लिए। एकदम तैयार बैटर हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। और इस तरह से कोई पॉलिथीन बैग का कोई सीट ले लेंगे, प्लास्टिक सीट, या फिर बटर पेपर ले सकते हैं या सिल्वर फॉयल, और उस पर इस बैटर को फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर शुगर का पॉलिथीन बैग है, तो ये प्लास्टिक सीट ले ली है। और इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे, सॉफ्ट बना लेंगे, क्योंकि बैटर अभी गर्म है तो हाथ जल सकता है, इसलिए सीट के ऊपर फैलाकर इस तरह से गूंदेंगे इसे, जिस तरह से आटा गूंदते हैं सॉफ्ट होने तक, इसी तरह से इस बैटर को गूंदते जाएंगे, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। तो करीब 3-4 मिनट तक इस तरह से ही इस बैटर को गूंदेंगे। और अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट हो चुका है, जैसे आटे का डो बनाते हैं, तो इस तरह से इसका डो तैयार हो चुका है। और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका है। तो अब इस तरह से रखेंगे इसे, इस सीट के बीच में रख लेंगे और बेलन से फैला लेंगे। तो जितने भी मोटे आकार में हमें चाहिए, जितना मोटा करना है, तो सीट को उस तरह से ही फैला लेंगे बैटर को, जितनी मोटी काजू कतली चाहिए। तो इतनी मोटाई में बेल लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम कट कर लेंगे, मनपसंद साइज में कट कर सकते हैं। तो जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो काजू कतली, उस शेप में हम इसको काटेंगे और बाजार जैसी काजू कतली घर पर तैयार कर सकते हैं। और आप बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देना चाहोगे इसे, तो इसके लिए सिल्वर वर्क का प्रयोग कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सिल्वर वर्क लगा के बिल्कुल मार्केट जैसी कतली लगेगी। तो इस तरह से काजू कतली तैयार हो चुकी है।
तो देखिए कितनी बढ़िया और स्वादिष्ट काजू कतली बनकर तैयार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हम बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट काजू कतली घर पर तैयार कर सकते हैं।